नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम गॉल ब्लेडर स्टोन से ग्रसित एक पेशेंट मुकेश नारायण मिश्रा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 3 साल से इस बीमारी से परेशान थे और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर, यहाँ तक कि डॉक्टर्स द्वारा सर्जरी की सलाह दे दी जाने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं मुकेश जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की गॉल ब्लैडर स्टोन पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं मुकेश नारायण मिश्रा महू से। मुझे पेट में काफ़ी तकलीफ थी, मैंने एलोपैथिक इलाज कराया। 3 साल तक मेरा इलाज चला। 3 साल में मेरे को 2 बार 3 बार सोनोग्राफी के लिए कहा गया, लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए फिर आखिर में उन्होंने ये बोला कि आपका सीजर करना पड़ेगा। तो कुछ डॉक्टरों ने मुझे सीजर के लिए एग्री किया और कुछ ने मना करे कि आप 70 साल की उम्र के अंदर आप सीजर मत कराइए, इसे आगे जा कर के आपको खाना भी नहीं पचेगा, आप चल फिर भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये भी सर कि से मेरा एंजियोप्लास्टिक हुआ, 3 अटैक आ गए थे, तो आज 6 साल हो गए एंजियोप्लास्टिक हुए को। फिर मेरे एक भतीजी है, उसका माइग्रेन का इलाज कर रहे थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, और उससे काफ़ी फर्क पड़ा और वो आज बिल्कुल अच्छी स्वस्थ हैं। उससे प्रकार उनके बोलने से मैं डॉक्टर साहब के पास आया, अर्पित चोपड़ा साहब के साथ में, और डॉक्टर साहब ने बोला कि आप नया फ्रेश सोनोग्राफी कराइए। मैंने नया सोनोग्राफी कराया तो उसमें गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन आया 6 mm का। तो डॉक्टर साहब ने बोला कोई घबराने की बात नहीं, जैसे आपका थोड़ा सा गॉल ब्लैडर बढ़ा हुआ है तो अपने को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी को पूरी तरह से गला देते हैं। और वही ना मेरे संग भी हुआ है। आज मुझे 4 महीने, कुछ लॉकडाउन के अंदर भी मैं आ नहीं सका दवा लेने के लिए, कुछ थोड़ा डिले हो गया, और आज ये है कि अभी मैंने बिल्कुल 1 महीने पहले सोनोग्राफी कराई तो उसके अंदर पथरी बिल्कुल मतलब नहीं आई, मतलब पूरी तरह से गल गई पथरी। अब कि मैं पूरी तरह स्वच्छ हूँ, अच्छी तरह से खाना खाता हूँ, चलता फिरता हूँ, पैदल चलता हूँ, कोई किसी प्रकार का मेरे पास वाहन है भी नहीं और ना ही मैं वाहन पर चलता हूँ। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया और बहुत ही कम पेमेंट के अंदर उन्होंने थोड़ी सी गरीबी हालत देख करके, उनकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, और ईश्वर उनको साहब भविष्य के अंदर सारी बीमारी का इलाज जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब आज, और उसमें सारे मरीज अच्छी तरह से अच्छे हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए मैं इतना और कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब ईश्वर उनको और तरक्की दे। आगे और भी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी किसी प्रकार की तकलीफ हो डॉक्टर साहब के वहाँ आकर किसी प्रकार की कोई गोली दवा तकलीफ नहीं करती है। जैसा एलोपैथी के अंदर क्या होता है, कोई दवा तकलीफ दे रही है, साइड इफेक्ट होते हैं दुनिया भर के, लेकिन डॉक्टर साहब की दवा से मुझे किसी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग चाहते हैं कि होम्योपैथिक इलाज बहुत स्लो इलाज होता है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं और भी निवेदन करता हूँ आपसे कि होम्योपैथिक स्लो नहीं है, बहुत फास्ट इलाज है, और 4 महीने के अंदर मेरी 3 साल की तकलीफ बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो गई। मैं बड़ौदा गया, बड़ौदा में मैंने इलाज करा, लेकिन वहाँ भी मुझे ये एडवाइस दी गई कि आपका सीजर होगा। फिर मुझे मालूम पड़ा कि केरवेल हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर साहब श्री अर्पित चोपड़ा मॉडर्न होम्योपैथिक से मैं मिला डॉक्टर साहब से, और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला कोई परेशानी नहीं है, आपको जो खाना वो खाइए, लेकिन एलोपैथिक के अंदर मुझे आज ये पालक नहीं खाएंगे आप, तो ये मूंग की दाल सिर्फ खाएंगे, तो लौकी की सब्जी खाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं खाएंगे, दलिया खाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला आप सब खाइए, बैंगन खाइए, आलू खाइए, सारी जो जितनी वेजिटेरियन सब्जियाँ होती हैं, मैं वेजिटेरियन सब्जी खाता हूँ क्योंकि ब्राह्मण हूँ एक तरह से, इसलिए डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से मुझे कि जो आपको खाना वो खाइए, और मुझे किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं तो मैं रात को सो नहीं सकता था, पेट में इतना दर्द होता था, पेशाब में तकलीफ होती थी मुझे, लेटरिन के बाद भी तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो कोई तकलीफ नहीं है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अच्छी तरह से पहले से डबल का खाना खा रहा हूँ, और वेट भी मेरा 4-5 किलो बढ़ गया। नहीं तो मेरा एलोपैथिक के अंदर वेट जो था वो काफ़ी ना कम हो गया था, डॉक्टर साहब के इलाज से मेरा 4-5 किलो वेट बढ़ गया और आज पूरी तरह स्वस्थ। मैं लोगों से यही एक निवेदन करता हूँ कि एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो अपने शरीर को नुकसान देती हैं, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथिक के जो दवाइयाँ हैं वो किसी प्रकार से कोई प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होता इसका, और बड़ा अच्छा इलाज है और बहुत सस्ता इलाज है। होम एलोपैथिक के अंदर इतना महंगा इलाज कि आज अपन सीजर करने जाएं तो ये सोच लीजिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, और उसके बावजूद भी गॉल ब्लैडर निकलने के बाद में किसी प्रकार से खाना हजम नहीं होता है, वो आदमी चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता, लेट नहीं सकता, घूम नहीं सकता है, लेकिन आज मैं डबल घूमता हूँ, पैदल घूमता हूँ अच्छी तरह से, और डबल खाना खाने लग गया हूँ। मेरे लिए साहब वो एक तरह की समझ लो कि साक्षात ईश्वरी रूप है, ईश्वर उनको और तरक्की दे और आगे और भी वो तरक्की पाएंगे। डॉक्टर साहब ने तो करोड़ों का इलाज कर दिया साहब, और बड़े बहुत ही दयावान और ये सिली जो है साहब। नमस्कार।